नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट और तमाम युवा क्लब के साथी, नेहरू युवा केंद्र के साथी और बहुत सारी संस्थाओं के हमारे साथ साथी जुड़े हुए आज की इस तिरंगा यात्रा के अंदर। पूरे भारत के अंदर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में 90,000 यूनिट रक्त दान करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया था हम साथियों ने, उसमें से 1500 जो कैंप है पूरे भारत में अभी तक हम बुक कर चुके हैं और 90,000 प्लस ही उसके अंदर यूनिट होगी। इसके अलावा बाहर से भी, विदेशों से भी हमारे साथ साथी जुड़े हुए इस मुहिम के लिए, और आदरणीय जो हमारे चेयरमैन साहब है प्रीतपाल जी पन्नू, वो इस पूरी कैंपेन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जगह जगह कहीं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, कहीं जागरूकता रैली के माध्यम से, तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। और 23 तारीख को लगने वाले इस महारक्तदान शिविर का जो उद्घाटन है वो माननीय महामहिम राष्ट्रपति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे, जो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। और इस मुहिम के अंदर जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनको एक प्रशस्ति पत्र दे करके हम सम्मानित करेंगे, जो जिसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर होंगे। कैलाश खेर जी हैं, सोनू सूद जी हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो उनको सिग्नेचर के स्टार्टिंग लेंगे। और पूरा का पूरा जो कार्यक्रम हमारा जिस तरह से चल रहा है, इसके अंदर हम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाने जा रहे हैं, जो 90,000 यूनिट एक दिन एक समय के अंदर एकत्रित किया जाएगा। तो सभी साथियों का इसमें सहयोग है। मेरे साथी जितने भी हैं, अनिल डिडारिया जी हैं, दीपक जी हैं, मास्टर जी संदीप जी हैं, लवप्रीत जी हैं, बाकी क्लबों से और संगठनों से साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस मुहिम को और अधिक किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके उसमें लगे हुए हैं और सभी साथियों के अंदर एक जोश है, एक जज्बा है कि किस तरह से हम लोग इस तरह से जो ये कैंप का आयोजन किया जा रहा है इसको हम सफल बनाएं। तो सभी संस्थाएं, सभी साथियों का सहयोग है। जिस तरह से यात्रा चलेगी, इस यात्रा के अंदर 200-250 से करीब हमने एक बार यहाँ कम लोगों को बुलाया है और जिस जिस गाँव में हम जाएंगे वो लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, तो एक कारवां बनेगा और लोगों को जागृत करने का जो हमारा मिशन है जन जागरण अभियान के तहत जो ये यात्रा शुरू की जा रही है, तो इसके अंदर लोग जागृत होंगे और बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेशन करेंगे। तो ये हमारी सभी के प्रति जो शुभकामनाएं हैं। तो तमाम जितने भी हमारे साथ युवा साथी जुड़े हैं, हम उनका वंदन अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि जो आने वाले 23 मार्च को जो एक मुहिम लेके चले हैं उसमें सिरसा के युवाओं का जो उत्साह है वो देखने लायक है। आज की जो यात्रा यहाँ मीरपुर कॉलोनी से शुरू होकर सबसे पहला हमारा प्रथम चरण गाँव खारिका, उसके बाद पंजुआना, शेखुपुरिया, फतेहपुरिया, मोड़ावाड़ी, जोधपुरिया, पिरखेड़ा, दारेवाड़ा, खारिया, उसके बाद खाई शेरगढ़, उसके बाद गुंकावाड़ी, नुईयावाड़ी, ओड्डा, ओड्डा से वापसी हमारी यात्रा करेगी, फिर पनीवाड़ा, पनीवाड़ा से रघुवाड़ा, रघुवाड़ा से बड़ागुड़ा, बड़ागुड़ा से छतरिया, छतरिया से सऊवाड़ा, इस तरह आकर पंजुआना के अंदर हम यात्रा समाप्त करेंगे। आज के इस यात्रा का जो प्रथम चरण है इसमें युवाओं का उत्साह देखने लायक है और जो आने वाली 23 तारीख को जो हमने और निफा ने एक लक्ष्य रखा था 90,000 का, वो हमें दुगना होता नज़र आ रहा है, वो भी आप जल्दी आपके सामने भी आंकड़े नज़र आएंगे। सिरसा का हमने 1,000 का टारगेट रखा था जो कि लगभग 1500 से ऊपर चला गया है और भी अभी भी बहुत से युवा साथी हैं जो गांव के अंदर ब्लड डोनेट के कैंप लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन उनको हमने कहा भी अभी जो हमारे अंदर इतनी सिरसा में इतनी टीमें नहीं है रक्त लेने के लिए, तो उन साथियों को हमने जो सिरसा के अंदर पहले हमारे 11 या 12 कैंप लग रहे हैं उन कैंपों के अंदर हमने उनको कहा है भी आप वहीं आकर अपनी सेवाएँ दो। तो सिरसा के युवाओं का जोश देखने लायक है, इसके लिए मैं सभी युवाओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और एक जयकारे के साथ हम आज के इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। देखिए आज जो तिरंगा यात्रा की यहाँ से शुरुआत की जा रही है हमारे युवाओं के द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ इसमें कि इसमें मुझे भी इन्होंने शामिल किया है। और आप सभी को पता होगा कि 23 तारीख को अभी जो शहीदी दिवस आएगा, 90वां जो शहीदी दिवस है, इसके उपलक्ष्य में निफा के द्वारा सभी जो युवा क्लब हैं वो मिलकर एक बहुत ही मेजर जो है रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे यहाँ पे हमारे सिरसा ज़िले में। और इनका बहुत ही बड़ा एक ये अभियान है
जिसमें कि रक्त दान मेन जो है शिविर लगा रहेगा, और इसमें आपको पता है कि रक्तदान महादान कहा जाता है, जिसमें हम बहुत से लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जो देश के युवा हैं वो अपनी ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं, और कहते हैं ना जिस ओर युवा चलता है उसी ओर जमाना चलता है, तो इसी दिशा में ये ऐसे ही हमारे देश का हमारे राष्ट्र का नाम रोशन करते रहें। इसी तरह से मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं, धन्यवाद। सभी यात्रियों को शुभकामनाएं, इस पूरे सहयोग में हम बढ़ चढ़ कर पूरा सहयोग देंगे, बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ेंगे और रक्तदान पूरा दिल से करेंगे।